जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ सर, मैंने सारे प्रॉब्लम्स बना लिए। ओके, कुछ बच्चों का ये रहा होगा कि सर मेरे पास बुक्स अभी तक आपका हुआ नहीं, मेरे पास है ही नहीं, है ना? बहुत सारे बच्चे डिफरेंट तरह की समस्याएं रही होगी। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी चलिए, हम लोगों ने एक प्रयास किया और इस तरह के टाइम को यूटिलाइज करने का हमने प्रयास किया। ओके बच्चे, जैसा कि आप लोग को हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में आपको हर टैक्स का प्रॉब्लम में बताता गया, और आप सब लोग हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी होगा। ओके, मैं अब जो बताने जा रहा हूँ, आज हायर परचेज सिस्टम का लास्ट क्लासेस है, राइट? ओके, तो बच्चे आज आप लोगों के इसमें लास्ट क्लासेस है हायर परचेज सिस्टम में। जैसा आप सभी को मैंने कहा कि आपका ये YouTube के माध्यम से कंटिन्यू तो है नहीं, यहाँ पे क्लासेस हर चीजों का आपका करना और करवाना दोनों पॉसिबल क्या है? नहीं है। ओके, तो जो बच्चे है नहीं, यहाँ पे जो आपका जो कंटिन्यू है नहीं, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू है नहीं, यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स का है नहीं, यहाँ पे क्लासेस करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैंने कहा था कि उसको अपने ऑफिस के नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, या जो भी कॉल का आपका नंबर है उस पे कांटेक्ट कर करके अपनी आपका क्या होगा, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह पूरा फुल जो है उस पे भेजे करेंगे, तो वो ऐप में क्या होगा, ऐड कर दिए जाएंगे, राइट? ये ऐसा मैंने कहा था। तो बच्चे आप कंटिन्यू है ना, कि चूंकि अब जो है मैं आज जो इसमें लास्ट क्लासेस करने जा रहा हूँ, तो अब जो सर्विसेज जो आपका अवेलेबल होंगे, जैसे देखिए बहुत सारे चैप्टर्स आपको तो मिलेंगे, है ना? जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, है ना, इंसॉल्वेंसी अकाउंट होगा, तो सारे चैप्टर बच्चे आपका यूट्यूब पे पब्लिकली तो किया नहीं जा सकता ना, और सारे सब्जेक्ट्स का भी उस पर किया नहीं जा सकता। इसलिए अब जो अपना जो सिस्टम है, ये तो टेम्प्रोरी व्यवस्था था कि चलो जब तक है ना कि यहाँ पे है, तो ये लगभग है ना कि यहाँ पे अगस्त तो आपका समाप्ति हो गया है ना, तब तक ये संभालने का सभी को मौका मिला कि बच्चे अपना जो भी एडमिशन्स के प्रोसेस हैं वो कॉलेजेस वगैरह में वो अपना ले ले, तब बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे, तब है ना कि आगे की बात प्लानिंग की जाएगी, सोची जाएगी। ओके, तो बच्चे अब जो है ना कि यहाँ पे मेरी जो क्लासेस आएगी वो ऐप पे ही केवल अवेलेबल रहेगा, अभी है ना कि यहाँ पे फिर यूट्यूब पे क्या होंगे, अब है ना कि यहाँ पे अभी अपलोड क्या होंगे, नहीं किए जाएंगे, राइट? ओके, हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये बात है ना कि यहाँ पे पब्लिकली हर आपका लेक्चर सर इस पे तो है ना कि यहाँ पे हो भी नहीं सकता, है ना? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे अब जो है अपना जो ऐप है, उसी ऐप पे है ना कि सारी जो है ये सब सर्विसेज क्या रहेंगे, जारी रहेंगे। ओके चलो जी, तो सबसे पहले जो बात मैं करूं बच्चे, अब वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवेन, है ना, ये मैंने आपको बताया था कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहता है तो कैसे प्रॉब्लम को बनाते हैं। बच्चे मैंने थर्ड टैब का प्रॉब्लम बताया था, और थर्ड टैब का प्रॉब्लम में और फोर्थ टैब का जो प्रॉब्लम होता है वो डिफॉल्ट इन पेमेंट का प्रॉब्लम होता है। किसका? डिफॉल्ट इन पेमेंट का। और डिफॉल्ट इन पेमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, और वो क्लास में मैं एक्स्ट्रा करवाता रहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी बातें जानना जरूरी था उतना मैंने बता दिया। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंसेप्ट क्या था, याद कीजिए, आपको मैंने बताया कि जब आपके क्वेश्चंस में कैश प्राइस दिया हुआ रहे, अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं रहे, तो वैसे सिचुएशन में सर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, और जब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा तो मेरा प्रॉब्लम कैसे बनेगा? ये तो बिल्कुल सच बात है ना? तो भाई प्रॉब्लम क्या होगा? नहीं बनेगा सर, नहीं बच्चे, ऐसे भी सिचुएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड्स डेवलप किया गया। कितने मेथड? तीन मेथड डेवलप किया गया। नंबर वन, बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोपोर्शन मेथड, और बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोपोर्शन मेथड, बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड आपको हमने यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो बच्चे बाय प्रोडक्ट मेथड लागू कब होता? जब आपका अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, आपका अमाउंट ऑफ आपका इच इंस्टॉलमेंट, जस्ट सॉरी, पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट, पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट बोथ आर डिफरेंट, राइट? बोथ आर डिफरेंट, देन बाय प्रोडक्ट मेथड इज एप्लीकेबल, राइट?
देन बाई प्रोडक्ट मेथड इज एप्लीकेबल. नंबर टू देन पीरियड आपका वेन पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट आर कॉन्स्टेंट बट अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट आर नॉट कॉन्स्टेंट देन प्रोपोर्शन मेथड इज एप्लीकेबल. When period between two installments are constant but amount of each installment are not constant, then आपका by proportion method is applicable, right? Or when आपका period between two installments and amount of each installment both are constant, then by inverse progression method is applicable, okay? तो बच्चे ये तीनों method पे आधारित है. मैंने कहा था कि आप question number 14, 15, 16 और 17 बनाइएगा. इसमें से जो मुझे लगता है इसमें से एग्जामिनेशन में पटना यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, तो मैं वो वाली प्रॉब्लम आपको बना देता हूँ. कुछ बच्चों का सवाल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, कुछ बच्चों को यानी कि 14 नंबर में सवाल रहा होगा, मैं 14 नंबर सॉल्व कर देता हूँ. मैं एक आपका रंजन प्रेस वाला आया हुआ क्वेश्चन है पटना यूनिवर्सिटी का, राइट, ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ और बाकी संभवतः जो है आप लोगों से बन चुका होगा. मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मैं लगभग लगभग सबका कर देता हूँ और इसी के साथ आप लोग का हायर परचेज सिस्टम का सफर क्या होगा पूरा हो जाएगा. ओके चलिए तो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले देखिए समझने का प्रयास कीजिए. सर आपका पकड़ना बहुत जरूरी है. ये आंसर नंबर मैं 14 का सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चे. तो देखो देखता है कि श्याम परचेज ऑन द हायर परचेज आपका बेसिस टीवी से 29 इंच स्क्रीन है ना, 29 इंच का स्क्रीन है. इस परचेज प्राइस वाज 35,000. इसके जो परचेज प्राइस है वो कितने का, 35,000 का. He makes payment in the following way. He makes आपका payment following way. इसका निम्नलिखित तरीके से पैसे दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए. मैं यहाँ पे करता हूँ कि सबसे पहले लाइन मैं बना रहा हूँ, राइट बच्चे. ये देखो कहता है एंड द टाइम ऑफ द डिलीवरी. ये आपका टाइम ऑफ डिलीवरी आपका 1 ईयर 2 ईयर और 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है जी. टोटल आपका जो है यहाँ पे कैश प्राइस दिया हुआ है. कैश प्राइस दिया हुआ बच्चे कितने का, 30,800, राइट. तो 30,800 दिया हुआ है. यहाँ से मैं निकाल लूँ टोटल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा HPP माइनस आपका CP. HPP हो जाएगा 35,000 माइनस 30,800 इस कल टू कितना होगा 4200. इस कल टू कितना 4200, राइट. ये 4200 आपका है. फिर उसके बाद अब जो कहता है ये हमने डाउन पेमेंट किया, ये हमने डाउन पेमेंट किया और डाउन पेमेंट आपका जो किया है वो आपका कितना रुपया हमने पे किया, 7,000 रुपीज पे किया, राइट. ये 7,000 रुपीज यहाँ पे नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं दिख पाएगा. ये चलो कि डाउन पेमेंट किया हमने कितना किया बच्चे, 7,000 रुपीज 7,000 मैंने लिख दिया है, राइट. आपका 27 नहीं है, 7,000 है. रुपीज का सैंपल दिया हुआ है, राइट. ये रुपीज का सैंपल है 7,000 डाउन पेमेंट रुपीज. फिर आपका आफ्टर 1 ईयर और 1 ईयर के बाद आपका जो पेमेंट दिया हुआ है कितने रुपये का, 14,000 रुपीज का. फिर आफ्टर 2 ईयर्स कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपीज दिया हुआ है. और फिर आफ्टर 3 ईयर्स दिया हुआ है कितने रुपये का, 7,000 दिया हुआ है, राइट. ऐसे तो बच्चे इस तरह से आप देख रहे हैं. एक बात मुझे बताइए, ये आपका कहता है आफ्टर 1 ईयर आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर. आप गौर कीजिए क्या पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट कॉन्स्टेंट है. हाँ सर कॉन्स्टेंट है. सर पीरियड आपका एक एक साल का टाइम इंटरवल है, तो सबसे पहले तो पीरियड कॉन्स्टेंट हो गया. अब क्या दूसरा में ये देखिए कि क्या अमाउंट कॉन्स्टेंट है, नहीं सर अमाउंट कॉन्स्टेंट क्या है, नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बाई प्रोपोर्शन मेथड लागू होगा. कौन सा प्रोपोर्शन मेथड लागू होगा, प्रोडक्ट मेथड लागू क्या होगा, नहीं होगा, राइट. तो प्रोपोर्शन मेथड लागू होगा तो सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात आप तो बता रहा हूं मैं. बच्चे देखिए सबका है कि फॉर्मेट एक ही है, एक ही बाई बाई जो है ना प्रोडक्ट मेथड से ही सब निकला है. उस दिन तो मैंने बताया था ना आपके बुक्स में थोड़ा सा एक दो कॉलम क्या करता है, गैप कर देता है, वो तो मैंने आपको बताया. लेकिन आपका जो जन्म हुआ है तीनों मेथड्स का वो किससे, बाई प्रोडक्ट मेथड से ही जन्म हुआ, राइट. तो चलिए हम लोग आपका पहले सीखते हैं, है ना. ये देखो हम यदि बात करें तो ये आपको जैसे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं,
ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, हम ग्रेड की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं और लास्ट में हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, राइट किया। तो इस तरह से ये आपका कैलकुलेट किया जाता है और ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। सर ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, ये आपका नंबर ऑफ आपका क्या हो जाता है, इंस्टॉलमेंट हो जाता है बच्चे, या ये हमारा हो जाता है पीरियड हो जाता है, पीरियड हो जाता है जी, और ये हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है, अमाउंट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाता है। ये सर आपका प्रोडक्ट हो जाता है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है और उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट हो गया। सर ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ हमारा क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, राइट ऐसे जी। नंबर ऑफ आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट, राइट ओके। तो सबसे पहले आपका जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात करें, एक बात मुझे बताएं बच्चे, टोटल पैसे देने कितने हैं, 35,000, कितने 35,000, 35,000 आप सोचिए थोड़ा फील कीजिएगा, है ना बच्चे, हमें अभी एट ए टाइम 35,000 देना है लेकिन मैंने हैंड टू हैंड कितना दे दिया, 7,000, कितना दिया 7,000, तो मेरे ऊपर रहा कितना 28,000, आपका क्या हुआ 28,000 मुझे देना बाकी रह गया। तो ये हमारा पीरियड तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, आपको बाय प्रोपोर्शन मेथड में आपके बुक्स में क्या है, ये पीरियड का चर्चा क्या किया, नहीं किया, क्योंकि वन ईयर ही होगा ना, या ये तो मैंने जानबूझ करके सो किया आपको समझाने के लिए, इसके बिना ये दोनों नहीं भी होता तो मेरा काम चल जाता, राइट। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे ऊपर कितना है, आपका 35,000 में मैंने 7,000 दे दिया तो 20 कितना बच गया, 8,000 बच गया, 20 कितना 8,000, राइट 28,000, और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट कितना 28,000 हो गया, ठीक है। फिर हम बताते हैं आपका नंबर ऑफ आपका जो है, फिर हमारा सेकेंड ईयर की बात करेंगे, ठीक है ये। अब उसके बाद आप देखो फिर यहाँ पे मैंने जब 35,000 में 7,000 दे दिया तो मेरा पहला साल जो रह गया वो कितना रुपया, 28,000 रुपया। फिर मैंने पहले साल के अंत में दे दिया 14,000 रुपया, 14,000 जब मैंने दे दिया तो ये हमारा जो बच गया वो कितने रुपये का, 14,000 रुपया, कितना बच गया 14,000 रुपया मेरा बच गया, राइट 14,000 रुपया। फिर उसके बाद थर्ड ईयर की हम बात करेंगे तो ये वन ईयर की बात है, ये वन ईयर हमारा हो जाएगा सर, ये सेकेंड ईयर में मेरा 14,000 रुपया, फिर मैंने दे दिया 7,000, मेरे ऊपर फिर कितना रह गया 7,000, ये हमारा अब हमारा 14। सब में हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई फर्क क्या होगा, नहीं पड़ेगा, और ये मैंने जोड़ दिया। चलो जी ये आपका हो गया, इस तरह से बच्चे मैंने कर लिया, ये आप देखो यहाँ पे हो जाएगा 7, 4, 11, 11, 8 कितने हो गए 19 हो गया, 1, 2 और 2 कितने हो गए 4, 49,000, राइट या। अब जो हमारा होगा 4,200 इंटू आपका दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, है ना, 20 आपका कितने होंगे 8,000 डिवाइडेड बाय 49,000 हो जाएगा, 49,000 काटेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, राइट या। तो अब जी हमें आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बच्चे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो पहले पैसे हमारा 4,200 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू 2,400, राइट 2,400। तो इसके जो इंटरेस्ट हो गया कितने 2,400, और ये मेरा होगा क्या इंस्टॉलमेंट, क्या होगा इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब इस 14,000 में कितना इंटरेस्ट शामिल है 14,000 का ये मेरा जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट है 2,400 का, राइट ये इंटरेस्ट मेरा शामिल है, तो ये हमारा हो जाएगा कितने का 3, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो जाएगा, 4 हो गया बच्चे। अब उसके बाद हमारा 11,000 कितना हो गया 600 रुपया, ये मेरे कितना हो जाएंगे सीपी। अब उसके बाद अगला उसके बाद फिर आपका बात करेंगे 4,200 का इंटू आपका हो जाएगा 4,200, फिर हमारा हो जाएगा 14,000 कितना होगा 14,000 डिवाइडेड बाई 40 कितना होगा 9,000 कितना होगा 49,000, राइट ये।
अब हमें करना क्या होगा, ये 30 30 काट देंगे या 4200 इंटू आपका होगा 14 14 डिवाइडेड बाई आपका 4900 इस तरह 1200 भाई 1200 हो जाएगा सर। इसमें 7000 में मेरा शामिल कितना है 12,000 रुपीज़ है, ये आपका कर दूंगा। ये 5800 हो जाएगा, ये सीपी, ये मेरा इंटरेस्ट और ये मेरा क्या होगा इस राइट यस। फिर उसके बाद अब इसके बाद हमारा इसमें जो कहता है ये तो बातें हो गई, फिर उसके बाद जो दिया हुआ है हमारा कितना 49। अब हमें करना क्या है, फिर 4200 इंटू आपका हो जाएगा 7000 इंटू डिवाइडेड बाई कितना होगा 49 आपका 1000 हो जाएगा 49000 हो जाएगा। चलिए ये हमारा 7 times में कट गया और ये हमारा हो जाएगा 600 rupees होगा, कितना रुपया 600 rupees हो जाएंगे। और ये 7000 में जो मेरा इंस्टॉलमेंट है इसमें मेरा 600 आपका है तो बच्चे ये आपका हो जाएगा 6400 का मेरा सीपी हो जाएगा, ये मेरा सीपी हो गया, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। चलो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गया होगा सर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ सर। हाँ ये मैं पूछना चाहता था, आपने सर बता दिया। हाँ बच्चे मुझे पता होता है कि कौन सा बच्चे कौन सवाल पूछ सकते हैं राइट। मैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 लेने जा रहा हूँ मैं आपका, मुझे मेरे लिए आसान हो जाएगा लेकिन आप लोग फटाफट सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए ओके। अच्छा सर ये आपका फॉर्मेट तो मैं रहने दूंगा बच्चे क्योंकि इसी फॉर्मेट पे सारा खेल चलता है ओके। तो भाई क्वेश्चन नंबर आपका ये तो हमारा 14 की बात हो गई सर। अब जो है ये तो आप मिटा दीजिए, ये हमारा अब ये पूरी बात आप नोट कर लीजिएगा ठीक है। चलो जी मैं अब ऊपर से ये मिटा देता हूँ सर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 जब हो गया तो आगे मैं बातें करता हूँ या फिर हमारा यहाँ पे जो है ये इस तरह से जो है मैं करता हूँ जी। बच्चे आंसर नंबर 15 की बात करें, आंसर नंबर 15 में क्या कहता है वो देख लीजिए। मैंने फॉर्मेट को नहीं मिटाया क्योंकि फिर मुझे जरूरत पड़ेगी मिटाने से क्या फायदा ओके। क्वेश्चन नंबर रंजन प्रेस आपका परचेज ए प्रिंटिंग आपका प्रेस ऑफ द हायर परचेज सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ द 4 ईयर आपका पीरियड ऑफ द 4 ईयर 6000 वास आपका पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस आपका 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेम आपका इक्वल अमाउंट पेड लास्ट डेट ऑफ द आपका इच ईयर द कैश प्राइस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस डिलीवरी आपका 27,300 राइट या यू आर रिक्वायर्ड टू पास द सेरेट्रीज इन द बुक्स ऑफ द रंजन प्रेस ओके। तो बच्चे 6000 तक अब देख लीजिए क्या क्या बातें कही गई है। ये हमारा एक लाइन मैंने खींच दिया राइट या यहाँ पे आपका जो है डाउन पेमेंट कितना रुपया पे किया गया, ये डाउन पेमेंट जो है 6000 का पे किया गया है, 6000 रुपये का डाउन पेमेंट किया गया। एंड आपका बैलेंस ऑफ द 4 half yearly 4 आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेम इक्वल अमाउंट पेड आपका 6000 बार पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस बाई 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेम इक्वल अमाउंट फिर आपका 6000 का फिर जो है 4 इंस्टॉलमेंट आपके दिए जा रहे हैं एनुअल 1 2 3 and 4 ये आपका 6000 6000 6000 सब मैंने पे कर दिया राइट। अब देखिए यहाँ पे पीरियड क्या है 1 year second year थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर राइट ईयर। अब हमें यहाँ पे कहता है कि अब हमारा कौन सा मेथड लागू होना चाहिए, कौन सा मेथड लागू होना चाहिए ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। आप बताइए यहाँ पे क्या है हमारा आपका पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट क्या है कांस्टेंट है, पीरियड बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट क्या है कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ पीस इंस्टॉलमेंट भी क्या है कांस्टेंट है ना। तो कौन सा मेथड लगेगा बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड लग जाएगा, कौन सा बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड क्या होंगे लागू हो जाएंगे है ना। या
तो बच्चे बाई इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड में मैंने बताया भी था, है ना, वो तो और सिंपल हो जाता है, और आसान हो जाता है ना, बाई इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड वाले में और आसान हो जाता है। लेकिन इस मेथड से भी हम यहाँ बना देंगे ना बच्चे, तो बनेगा, क्योंकि इसी से उसका जन्म हुआ है ना। तो देखिए आसानी से बात को समझिए, तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जब मैंने बताया था इसी पे आधारित मैंने आपका सवाल मैंने बताया था, आप लोगों ने अपने घरों में प्रैक्टिस किया भी होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने बताया था, उसमें फॉर्मेट कितना था, पिस्टॉल में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग आपका जो है, नंबर ऑफ आपका जो है बच्चे, इसमें आपका जो दिया हुआ था हमारा नंबर ऑफ हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट रेशियो और आपका इंटरेस्ट दिया हुआ। देखिए हम आपका सबसे पहले छः पंचे तीस हज़ार रुपया हमारा इस तरह से आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, और देख लीजिए इसके जो कैश प्राइस है वो कितने रुपये का, 27,000 कितना है, 27,300 का, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 28 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 2700 होगा, ठीक है। देखिए तो बच्चे यहाँ पे अब हमें करना क्या चाहिए, ये आपका जो है मैं इसे मिटा दूँ, आंसर मिटा दीजिए, मिटा देता हूँ बच्चे, चाहे आप इसको नोट मत कीजिएगा, है ना, नोट मत कीजिएगा, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ओके चलेगा ना, हाँ सर चलेगा, मैं मानूंगा कि सर ये नहीं है, है ना, अदरवाइज फिर मुझे उस बात को नोट करना पड़ेगा अगले प्रॉब्लम में, इसलिए मैं उसे नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ओके चलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ बच्चे, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल होता है ये, और इसके जो है हमारे बच्चे, ये आपका जो है आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नंबर ऑफ आपका जो है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपका इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स, राइट्स दिया। फिर उसके बाद हमारा रेशियो की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, और ये हमारा जो है इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका जो है, चलो इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, चलो हो गया। सबसे पहले आप देखो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये देख लीजिए सबसे पहले आपका 1 2 3 4, या अब हम इसी को करेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 1 10, 4 by 10, 3 by 10, 2 by 10, 2 by 10, 1 by 10, राइट, या होगा बच्चे 2700 × 4 by कितना होगा 10, 2700 × 2 आपका जो है बच्चे आपका हो जाएंगे, काट देंगे ये हो जाएंगे सर 8 6 4 2 8, 1800 कितना होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इंस्टॉलमेंट के रूप में आप ले सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, आपका इंस्टॉलमेंट सर आपका 6000 आपका हो जाएंगे, 6000 हमारा हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, और माइनस हमारा हो जाएगा क्या 1000 आपका 80, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 1100 आपका हो जाएगा कितना 2,4920, राइट, या फिर उसके बाद 2700 × आपका कितना होगा 3 by 10 हो जाएंगे, 3 by 10, यह हमारा हो जाएगा कितना 800 कितना हो जाएगा बच्चे 10 हो जाएगा, फिर आपका 6000 में माइनस करेंगे 810, राइट, ये हमारा हो जाएगा 5100, ये सीपी होगा, ये मेरा इंस्टॉलमेंट, और ये मेरा फिर क्या होगा इंटरेस्ट हो जाएगा जी। फिर आपका 2700 × 2 by कितना होगा 10, 500 कितना होगा 40, फिर 2700 × 2 by कितना, सॉरी 1 by 3 करते हैं इसका तो 270, राइट। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उधर सीपी का भी अमाउंट निकाल सकते हैं, राइट।
चलो ये तो बात भी सर आसानी से समझ में आ गया सर, ये वाला मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है बीच वाला बच्चे, ये वाली पार्ट आपको नोट नहीं करना है। ओके हाँ सर, बातें तो समझ में आ गई बच्चे। यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट सी भी निकाल सकते हैं, ये माइनस करके निकाल सकते हैं, इतना आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम बना चुके हैं, तो उनका बिल्कुल आसान चीज़ है। ठीक है, ओके जी, चलिए बच्चे और आगे बढ़ता हूँ मैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट बच्चे, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो हमारा कौन सा होगा? मैं अगला आपका सवाल लेता हूँ जी, अगला सवाल लेता हूँ, एक लास्ट नंबर में प्रॉब्लम और मैं बता ही देता हूँ ताकि आपके पूरे प्रॉब्लम्स का वो समाप्त हो जाए। मैं एक 17 नंबर सवाल ले लेता हूँ, बस आपका 17 ले लेता हूँ, और इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और बच्चे नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा वो कौन सा, इसी से रिलेटेड चैप्टर है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के सारे थ्योरी जो है अब आपका YouTube पे अवेलेबल नहीं रहेगा बच्चे, अब आपके आपका अपना जो मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस का ऐप है उसी पे अपलोड कर दिए जाएंगे। क्लियर? ओके ओके, तो बच्चे ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। चलो जी आगे की बात मैं करता हूँ जी, ये देख आपका ये देखिए। हाँ बच्चे, जिसमें आपको एक बात और कहना, मैं आपका ये बिल्कुल क्लियर आपका कर दें कि आप सभी लोग जिन बच्चों का है ना यहाँ पे क्या है वो अपना नाम, अपना है ना यहाँ पे अपना नाम और कॉलेजेस का नाम यदि एडमिशन हो गया है तो, अदरवाइज है ना कि नाम और एड्रेस, है ना, नाम और एड्रेस वो है ना कि सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे ऑफिस का, और वो अपना नाम जो है ऐड करवा लीजिएगा। ठीक है, ओके चलो ये बातें हो गई। नेक्स्ट बातें जी, तो जी अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करता हूँ जी, 17 नंबर का, 17 नंबर में अब देखिए आपका 17 की बात मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ए एक्वायर्ड इमेजिनरी अंडर द हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम द एबीसी कंपनी लिमिटेड, या ए आपका एक्वायर्ड इमेजिनरी हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम द एबीसी लिमिटेड, कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज रुपीज 10,050, राइट? ये देखो जी, कैश प्राइस दिया हुआ बच्चे, विच आपका पेबल एज फॉलोज, जो आपका 2000 ऑन डिलीवरी, 3000 ऑन द आपका 3 मंथ एंड आपका, तो पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ बच्चे, लाइन आपका इसका मैं पूरा मिटा देता हूँ, ये आपका मिटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये आपका इसे हमें फिर से ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये वाली देखिए मैं ये देखो, अब हमें जो है एक लाइन फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी, है ना, ये हमारा आपका हो जाएगा जी। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, राइट? ये अच्छे इस तरह से देखो, आप सबसे पहले डाउन पेमेंट आपने पे किया, डाउन पेमेंट जो पे किया वो कितने रुपये का, 2000 रुपीज पे किया, राइट? फिर उसके बाद आपका आपका एट द आफ्टर द 3 मंथ 1, 2, 3 यहाँ पे हमने जो पे किया वो कितने रुपये पे किया, 3000 रुपीज पे किया, राइट? फिर आफ्टर दस आपका 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ 4000, राइट? 4000 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आपने जो पे किया वो कितना रुपया हमारा जो है, कितना रुपया पे किया बच्चे आपने, 4000 रुपीज, या 4000 रुपीज आपने यहाँ पे किया। फिर देन आफ्टर एट द एंड ऑफ द आपका 12 मंथ आपने कितना पे किया, 2000 रुपीज पे किया। तो इसके बीच का पीरियड कितना हुआ, 3 मंथ हुआ, राइट? ये आपका 3 मंथ हो गया, बीच में कितने मंथ हो गए, 6 मंथ आपका हो गए, ये देखो, और ये हमारा कितना मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब सवाल उन्हें उठा, आप बताइए ये कौन सा मेथड यहाँ पे लागू होगा? सर पीरियड आपका, पीरियड तो कांस्टेंट नहीं है, दो इंस्टॉलमेंट का बीच का आपका पीरियड कांस्टेंट नहीं है, 3 महीना 6 महीना 3 महीना, अरे सब तो बराबर नहीं है ना भाई, बिल्कुल नहीं है सर, पीरियड आपका बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट आर नॉट कांस्टेंट, एंड क्या अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट है, नहीं सर ये भी नहीं है, तो कौन सा मेथड लगेगा, बाय प्रोडक्ट मेथड लगेगा, कौन सा, बाय प्रोडक्ट मेथड लगेगा, और बाय प्रोडक्ट मेथड के लिए मैंने ये स्पेसिमेन ऑलरेडी बना करके मैं रखा हूँ। ओके चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
सर आप टोटल इंटरेस्ट तो निकाल लीजिए। हाँ सर टोटल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ बच्चे। देखो आप देखो टोटल हमारा 4 2 6 6 और 3 कितना 9 और 2 11 है सर। 11,000 पे हमारा HPP और 10,000 कितना है 50 10,000 कितना है 50 950 मेरा क्या हुआ टोटल इंटरेस्ट हो गया। ओके जी अब देखो अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो बातें हैं आपको टोटल कितने पैसे पे करना है HPP कितना है HPP है सर टोटल 11,000 फिल कीजिए। अब स्वाभाविक है कर्ज रहता है जी तो आपका क्या होता है हमारे ऊपर बहुत टेंस होता है। किसी से कर्ज लेते हैं तो ऐसा फील होता है कि अरे बहुत बड़े मेरे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है राइट। 11,000 का मेरे ऊपर कर्ज है और मैंने उसे हैंड टू हैंड कितना पे कर दिया 2,000 का डाउन पेमेंट। एग्जाम्पल वाले में आपका डाउन पेमेंट नहीं था राइट। ये सब डिफरेंसेस याद रखिएगा। यहाँ पे डाउन पेमेंट है तो 11,000 में आप 2,000 दे दिए बचा कितना 9,000 कितना बचा 9,000 दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना 9,000 कितने मंथ रहा ये मेरे ऊपर 9,000 मेरे पास 3 महीना रहा 3 मंथ आपका हो गया। फिर उसके बाद मैंने जब तो आपका 3,000 दे दिया तो मेरे ऊपर अब कितने में आपका रुपया रह गया 6,000 लेकिन मेरे ऊपर जो बोझ रहा वो कितने मंथ तक बना हुआ रहा 6 मंथ तक रहा। फिर मैंने यहाँ पे 4,000 रुपया दे दिया अब मेरे ऊपर कितने रहे 2,000 रुपया रह गया। कितने मंथ तक ऐसा फील हुआ 3। ये केवल नंबरिंग देना होता है राइट। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा 20 आपका 7,000 राइट। ये हमारा हो जाएगा 36,000 और ये हमारा हो जाएगा 6,000 हो जाएगा राइट। ये अब हमें यहाँ पे जोड़ना चाहिए ये आपका जोड़ना चाहिए ये हमारा हो जाएगा जी आपका हो गया 6 और 6 12 12 और 7 कितना हो गया तो आपका 19 हो गया 19 आपका फिर आपका 1 आपका 4 और 2 कितने हो गए 6 69,000 हो गए जी। अब जैसा मालूम है कि इंटरेस्ट हमारा 950 इंटू 20 आपका 7,000 डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे 60 आपका 9,000 हो जाएगा। चलो जी कट कर देंगे ये हमारा हो जाएगा। हाँ जी मैं अब आपको बच्चे ये देख रहा हूँ 950 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 69 इज इक्वल टू होगा 300 आपका 371.73 राइट। तो 72 कर देते हैं ये अप्रॉक्स निकल जाएगा। क्या निकलेगा अप्रॉक्स ये अप्रॉक्स हमारा हो गया 372 ठीक है 372 राइट। ये हाँ जी बच्चे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एक चीज गलती कर बैठे है ना एट द एंड ऑफ द 3 मंथ यहाँ पे आंसर नहीं मिला तो फिर आपका चेक करना पड़ा कि आखिर कहाँ पे क्या मिसिंग हुआ राइट। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एट द 3 मंथ और एट द एंड ऑफ आपका क्या है 6 मंथ मैंने उसको 6 मंथ एट द एंड ऑफ 6 मंथ का मतलब क्या हुआ राइट स्टार्टिंग से काउंट करेंगे ये मैंने बीच में 6 महीना ले लिया जो कि यही है कि यहाँ पे गलत यहाँ पे हो गया राइट। तो ये हमारा 6 मंथ 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे इसका मतलब है 6 मंथ यहाँ पे मैंने फिर कितने दिए 4,000 मैंने पे किया कितना रुपया 4,000 तो इसके इसके बीच का पीरियड फिर कितने मंथ हो गए 3 मंथ आपका हो गए। फिर आपका जब 4,000 पे यहाँ पे आपने चुका दिया तो एट द एंड ऑफ द 12 मंथ आपने फिर कितना पे किया है 2,000 इसका मतलब इसके बीच का जो पीरियड हो गया वो 6 मंथ का हो गया ये होना चाहिए ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ करेक्शन कर देता हूँ ये हमारा आपका 3 मंथ का पीरियड हो गया फिर उसके बाद पीरियड कितने मंथ का हो गया 3 मंथ का हो गया और ये फिर कितने मंथ का हो गया 6 मंथ का हो गया। चलिए 20 आपका क्या है 7,000 हमारा कितना होगा 18,000 हो जाएंगे 18,000 हो जाएगा राइट होंगे और ये बच्चे हो जाएंगे कितने 12,000 हो जाएंगे। अब इसको टोटल आप काउंट करो बच्चे टोटल आप काउंट करोगे 8 और 2 10 और 7 कितने हो गए 17 ओके
एक हो गया, तीन और दो पांच हो गए, 57,000, कितने 57,000 राइट। ये देखो तो करेक्शन आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना भी आपका हो जाएगा जी, 57,000 का हमारा टोटल आपका आ गया। सर कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 450, कितने आ जाएंगे जी 450 आ जाएंगे। सर ये आपका 450 आंसर आ गया। फिर उसके बाद सर 950 इंटू आपका हो जाएगा बच्चे 18,000 डिवाइडेड बाई आपका कितना होगा 57,000 राइट, ये इसी कल टू आपका हो जाएंगे कितने 300, कितने 300 हो जाएंगे। और फिर 950 इंटू हमारा फिर कितना हो जाएगा आपका 12,000 आपका होगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 57,000 राइट, ये कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे आपका होगा इक्वल टू आपका जो है कितने आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लीजिए ठीक है, ये आपका कैलकुलेट कर लीजिए ठीक है, ये आपका 200 आपके आ जाएंगे, कितने बच्चे 200 आ जाएगा। चलो इस तरह से आपके आंसर मिल गए हैं ठीक है। तो बच्चे एक एक करके सवाल सारे के सारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया, अब क्या होगा इसमें आप निकालना चाहते हैं तो 3000 का हमारा क्या होगा इस टॉपिक, 450 हमारा क्या होगा इंटरेस्ट, और ये आपका हो जाएगा 2550, ये हमारा शेड्यूल हो गया। फिर उसके बाद अगला जहां तक बात आती है ये हमारा, फिर उसके बाद आपका 4000 का हमारा हो जाएगा ये हमारा इंस्टॉलमेंट, ये माइनस आपका सीपी माइनस आपका इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा 300 का हो जाएगा, ये आपका 3700, ये हमारा सीपी ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2000 आपका होगा ये आपका इंस्टॉलमेंट, और ये माइनस आपका हो जाएगा कितना 200 का, ये आपका कितना होगा 1800 का सीपी होगा, और ये आपका क्या होगा इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपको ये बातें समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और एक एक कर करके सारे सवाल को मैंने बता दिया ठीक है। तो आप सब बच्चे आप सब लोग मैंने कंप्लीट आपने कर चुका होगा, तो हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के आपका रूम क्लियर। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आप लोगों का क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें सुरक्षित रहें।